हाई गाई वॉच सर वेलकम बैक टू टूडेज वीडियो दिस इज सोनिया एंड यू आर वॉचिंग सोविक्स ब्लॉग तो लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी आईलैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वाली उसमें मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि मंथली जो एक्सपेंस है हमारा वो आयलैंड में हम लोगों का कितना आता था और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो हमारा कितना आता है ठीक है तो अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आईलैंड जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है कम्पेरेटिवली ऑस्ट्रेलिया और मैंने आपसे कहा था कि अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हमारे अपने वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से हम लोग आयलैंड से वापस से ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए तो देखिए वैसे तो ये जो रीजन्स होते हैं ना ये सबके अपने रीजन्स होते हैं हो सकता है कि जो मेरी थिंकिंग है वो आप लोगों की थिंकिंग ना हो जो रीजन मुझे लगता है वो आप लोगों को नहीं लगता हो बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमारा आइलैंड का जो एक्सपीरियंस था वो किस तरह से था और हमने वहां पर दो सालों में हम लोग आइलैंड में ऑलमोस्ट दो साल रहे थे तो हमने उन दो सालों में क्या फील किया था जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि नहीं हमें आईलैंड छोड़ देना चाहिए और हमें जो है वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाना चाहिए तो देखिए जब भी आप किसी कंट्री को चूज़ करते हैं रहने के लिए नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप किसी कंट्री में जाकर के सेटल हो जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेबिलिटी क्या उस कंट्री में हमारी स्टेबिलिटी है क्या हम उस कंट्री में लाइफ लॉन्ग अच्छे से रह सकते हैं फिर देखते हैं आप लोग कि भाई वेदर कंडीशन कैसी है अच्छा वेदर रहता है कि नहीं रहता है क्योंकि देखिए मोस्टली अगर मैं इंडियन की बात करूँ हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं जिस वेदर से आते हैं वो काफी वार्म वेदर है तो हम लोगों को बहुत ठंडा वेदर जो है ना वो सूट नहीं करता है एंड देन फिर आप लोग देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लाइफ जो है वो उस कंट्री में कैसा है आपके बच्चों का फ्यूचर इस कंट्री में कैसा रहेगा क्योंकि जब आप किसी कंट्री में सेटल हो जाते हैं देखिए तो ऑबियस uh, आप अपने बारे में तो सोचते ही है लेकिन जो आपकी आने वाली जनरेशन है आप उसके बारे में भी सोचते हैं तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपके बच्चों की एजुकेशन और आपके बच्चों का फ्यूचर क्या उस कंट्री में अच्छे से हो पाएगा वो अच्छे से रह पाएंगे तो ऐसी कुछ जो uh, चीज़ें थी वो हमारे भी दिमाग में थी जब हम लोग यू you नो know, सोच रहे थे कि हम लोग आयरलैंड में रहें या हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहें तो फिर फाइनली हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन ले लिया तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वेदर के बारे में ठीक है क्योंकि वेदर भी हमारे जो थिंकिंग का प्रोसेस था ना कि हमें मूव होना ही नहीं होता बहुत बड़ा रोल जो है वेदर ने प्ले किया था क्योंकि देखिए आयरलैंड का जो वेदर है ना वो बहुत ठंडा वेदर है और ठंडा ही नहीं इनफैक्ट वो बहुत गीला वेदर है बहुत रेनी वेदर है आयरलैंड में आ, साल के बारह महीनों में से ना नौ महीने तो बारिश ही होती रहती है कभी तेज़ कभी स्लो ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत मूसलाधार वहां पर बारिश होती है ऐसा तो नहीं है पर हाँ अगर आप बाहर जा रहे हैं ठीक है अगर आप कहीं पे भी बाहर निकलते हैं घूमने के लिए जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि आपके पास एक रेनकोट हो या फिर आपके पास कोई एक जैकेट हो क्योंकि वहां पर कभी भी बारिश हो सकती है और होती ही रहती है तो हम लोगों के लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग सा हो गया था एक्चुअली ना यू नो कि हम तो जैसे हम लोग आप लोगों को पता है जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो लोग जानते हैं दैट वी हैव टू किड्स तो बच्चों को ऐसे वेदर में बाहर निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता था हमारे लिए उन्हें कहीं प्लेइंग के लिए ले जाना उन्हें कहीं आउटिंग के लिए ले जाना बहुत सोचना पड़ता था हम लोगों को कि कैसे करें बहुत सारा सामान यू you नो know, इकट्ठा करना पड़ता था उनके लिए तो जो वेदर है ना वो एक बहुत ही चैलेंजिंग था और इनफैक्ट कुछ मंथ्स तो वहाँ पर ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही डिप्रेसिंग वाले होते हैं क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप लगातार कुछ दिनों तक केवल घर के अंदर बंद हैं आप बाहर नहीं जा पा रहे तो आप जो मेंटली है वो कितना डिफरेंट आप लोग फील करेंगे तो सीरियसली कुछ जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सा हो जाता है वहाँ पर तो हमारे लिए कि ये बहुत बड़ा एक पॉइंट था वेदर का कि आ, नहीं भाई ये वेदर जो है हम इस वेदर में ज़्यादा लंबे टाइम तक हम लोग नहीं रह सकते हैं तो ये था हमारा एक रीज़न आइलैंड को छोड़ने का कि हमें वहां का वेदर सूट नहीं किया था मे भी आप लोगों को रेनी सीजन अच्छा लगता हो और आप लोगों को बारिश में रहना पसंद हो तो हो सकता है आप लोगों के लिए ये रीज़न ना हो और आप लोग आईलैंड में रहना चूज़ करें बट डेफिनेटली हमारे लिए और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को वो जो रेनी वेदर था वो बिल्कुल भी सूट नहीं किया और हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई हम साल में से नौ महीने जो है ना वो बारिश में नहीं रह सकते ठंडे वेदर में नहीं रह सकते हैं वी नीड सन हमें आउटसाइड भी जाना होता है तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से हमने आयलैंड को छोड़ा और जो नेक्स्ट हमारा रीजन uh, था देखिए आयरलैंड को छोड़ने का तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी बात की है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में कि आयलैंड uh, में आपका क्या एक्सपेंस रहता है तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं बट शॉर्टली uh, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन आयरलैंड एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली आयलैंड के कम्पेरिजन में ऑस्ट्रेलिया इज़ चीप आयरलैंड काफी कॉस्टली है एंड सिर्फ कॉस्टली ही नहीं है देखिए अगर मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ तो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो आयरलैंड में आता है हाउसिंग का पॉइंट आयरलैंड में बहुत ज्यादा हाउसिंग क्राइसिस है अगर आप लोग रेगुलरली यू नो आयरलैंड के बारे में सर्च uh, करते हैं अगर आप लोग सोच रहे हैं यू you नो know, जाने का आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया या किसी और भी कंट्री तो आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आयरलैंड में हाउसेस क्राइसिस इस वक्त भी कितने ज्यादा हैं हम लोग थे तब भी बहुत ज्यादा थे वहां पर घर ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है एंड यू नो इट्स वेरी टफ कि आपको एक वहां पर अच्छा घर मिल जाए और सही प्राइस में मिल जाए क्योंकि घर तो वहां पर बहुत 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 ही ज़्यादा कॉस्टली है अगर आप सिटी के पास रहते हैं तो इट्स रियली अनबिलीवेबल प्राइस है वहां का हाँ अगर सिटी से थोड़ा आप दूर जाते जाएंगे तो फिर भी थोड़ा सा आपको चीप मिलेगा बट इट्स नॉट सो चीप तो डेफिनेटली आयलैंड में हाउसिंग बहुत ज़्यादा महंगी है कार एंड फ्यूल यू नो वो भी आयरलैंड में बहुत महंगा है अगर आप पर्सनल व्हीकल रखते हैं ना तो आप जब वहां पर रहते हैं तो आपको पता चलता है कि कार के साथ साथ उसके कितने सारे टैक्सेज आपको पे करने पड़ते हैं और फ्यूल भी आयरलैंड में काफी महंगा है तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना वो काफी कॉस्टली पड़ता है कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया तो जो लाइफस्टाइल है ना आयरलैंड में वो अगर आप एक अच्छे से लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपका जो एक्सपेंसिव वो बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इतना एक्सपेंसिव नहीं है आई एम नॉट से इट्स वेरी चीप ऑस्ट्रेलिया बहुत चीप है ऐसा नहीं बोल रही हूँ पर यस yes, मैं सिर्फ आपको कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए पूरा एक साल हो गया है तो आई कैन डेफिनेटली एंड ईजिली कंपेयर कि हाँ क्या डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में तो लाइफ स्टाइल यहाँ पर थोड़ी ईजी है स्मूद है आयरलैंड में देखिए हम लोग जैसे डबलिन में थे तो इट्स वेरी क्राउडेड सिटी और आना जाना बहुत हैक्टिक होता था यहाँ पर इतना नहीं है कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो लाइफ स्टाइल है वो भी हमारा एक रीजन था वहां पर हम लोगों को हमारी लाइफ काफी हैक्टिक लगने लगी थी तो यू you नो know, हेक्टिक लाइफ आप थोड़े टाइम तो ठीक है निकाल सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं लाइफ लॉन्ग के बारे में सोचते हैं तो इस तरह की हेक्टिक लाइफ में रहना जो है ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ये भी एक हमारा रीजन था जिसकी वजह से हमने एल को छोड़ा ना देखिए नेक्स्ट चीज क्या आती है जब आप यू नो अपनी होम कंट्री से किसी और कंट्री को चूज करते हैं तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है हाई सैलरी भाई अगर हम हमारा देश छोड़ रहे हैं तो हम लोगों की जो इनकम है वो बहुत अच्छी हो बहुत ज़्यादा इनकम हो तो अगर मैं इनकम के मामले में अगर दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करूं, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में जो सैलरी है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू आयरलैंड आयरलैंड में अच्छी सैलरीज हैं अच्छी कंपनीज भी हैं डेफिनेटली। डब्लिन में जहाँ पर हम लोग थे वहाँ तो इट्स ह्यूज कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन अगर हम पैकेज की बात करें ना तो देखिए अगर मैं एक पोस्टॉक uh, के पैकेज की बात करूँ तो वहाँ पर एक डॉक का जो पैकेज है वो थर्टी uh, से फोर्टी थाउजेंड यूरो के बीच में होता है ठीक है लेकिन अगर मैं यहीं ऑस्ट्रेलिया में उस पैकेज की बात करूं फॉर पोस्ट ऑफ पर्सन तो वो अप टू नाइन्टी थाउजेंड जो है यहां पर सैलरी है तो अगर आप सैलरी से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इज बेटर देन आयरलैंड और टैक्स अगर मैं बात करूँ तो टैक्स आयरलैंड में बहुत ज्यादा है अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आयरलैंड इज वन ऑफ द कंट्री जो कि सबसे ज्यादा जहां पर हमें ना टैक्स देना पड़ता है तो सैलरी और टैक्स ये भी एक रीज़न था कि भाई यहाँ तो बहुत सारी अर्निंग कर कर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है यू नो सेविंग नहीं हो पा रही है क्योंकि हम लोग तो सबसे पहले सेविंग के बारे में सोचते हैं ना कि भाई कमाने के बाद कुछ बचना भी चाहिए अच्छा अमाउंट बचना चाहिए तो एक हम लोगों का ये भी रीजन था एक्चुअली कि वहां पर सैलरी अच्छी थी लेकिन वही है कि टैक्स वगैरह पे करके और यू नो सब खर्चा करने के बाद आपकी जो बचत थी ना वो ज़्यादा नहीं हो पाती है तो ये भी हम लोगों का एक रीज़न था जिसकी वजह से हम लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हुए एंड जो नेक्स्ट हमारा रीज़न था एक्चुअली आयरलैंड uh, को छूटने का वो ये था कि देखिए आयरलैंड में जो है ना फैमिली एप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो वहाँ पर क्या था ना कि अगर हमें वीज़ा अप्लाई करना है तो हमें इंडिविजुअल एप्लीकेशन करनी होती थी ठीक है मेरी एप्लीकेशन अलग होगी विक्रांत की एप्लीकेशन अलग होगी सोविक और निविका की एप्लीकेशन अलग होगी तो वहाँ पर फैमिली एप्लीकेशन नहीं होती है फॉर द वीज़ा एंड फॉर द पी यू हैव टू डू द इंडिविजल एप्लीकेशन ओके जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं मान लीजिए और आपके साथ आपका पार्टनर है सो यू कैन डू द फैमिली अप्लीकेशन आप फैमिली अप्लीकेशन कर सकते हैं लेकिन आयरलैंड के केस में ऐसा नहीं है जब हम लोग मूव हुए थे आयरलैंड में हम स्टैंप वन पर थे तो उस वक्त भी हम लोगों ने इंडिविजुअल एप्लीकेशन की थी मेरी अलग थी विक्रांत की अलग थी बच्चों की अलग थी ओके okay? तो ये आयरलैंड में फैमिली अप्लीकेशन नहीं होती है एंड सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आयलैंड में जब आप लोग रहते हैं ना तो जो आपको वीज़ा मिलता है ना वो आपको एवरी ईयर रिन्यू करना पड़ता है ठीक है हर साल आपको जीएनआईबी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है वीज़ा फी पे करनी पड़ती है एंड इट्स अराउंड थ्री हंड्रेड यूरो फॉर वन पर्सन तो आपको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है अगर आप यू you नो know, जो भी जिस भी वीज़ा पर आप लोग आ रहे हैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं आपका दो साल का है तो वो दो साल का होगा हाँ बट आयलैंड में ये है कि अगर आप किड्स uh, की जो एप्लीकेशन uh, है अगर आप उसको रिन्यू करते हैं तो उसकी आपकी फ़ी नहीं लगती है बट यस फॉर एन अडल्ट यू हैव टू पे द फी एंड एक चीज़ और होती है आयलैंड में देखिए कि जब आप लोग पी uh, के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जैसा कि मैंने स्टेबिलिटी की बात की थी ना तो आयलैंड uh, में क्या है ना कि uh, जब आप पी के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं जैसा कि यह था कि विक्रांत आयलैंड में जॉब कर रहे थे तो जब हम लोगों ने आयलैंड छोड़ा था उस टाइम पे ही वॉज एलिजिबल फॉर स्टैम्प फोर ठीक है वो स्टैम्प फोर के लिए एलिजिबल थे बट मैं एलिजिबल नहीं थी बच्चे एलिजिबल नहीं थे तो वो जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है हम लोगों के लिए क्राइटेरिया अलग था केवल विक्रांत थे जिन्हें स्टैम्प फोर मिलता जिन्हें वहाँ की परमानेंट uh, रेजिडेंसी मिलती हम लोगों को रेजिडेंसी मिलती लेकिन वो कुछ और ईयर्स के बाद ठीक है तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि वहाँ पर फैमिली अप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उन्हें ऑलरेडी अब पता होगा कि दैट वी हैव पी आर ओके तो ऑस्ट्रेलिया की पी आर अब हम लोगों को मिल चुकी है एंड वी ऑल फोर हैव द आर ठीक है ऐसा नहीं है कि विक्रांत को मिली है अगर वो जॉब कर रहे थे तो सिर्फ उनको मिली है पी आर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर फैमिली अप्लीकेशन होती है पी आर के लिए भी तो अब हम सब लोगों के पास प्यार है लेकिन आइलैंड में उस वक्त क्या हो रहा था कि हमें पता था कि विक्रांत को तो भी मिल जाएगी जब हमने छोड़ा उसके एक महीने बाद ये था कि उनको तो प्यार मिल जाएगी लेकिन मुझे या बच्चों को नहीं मिलती फिर एक और चीज़ क्या थी जिसकी वजह से हमें लगा कि हमें आइलैंड को छोड़ देना चाहिए वो ये था कि देखिए जब भी हम लोग नो किसी फैमिली मेम्बर को विजिट के लिए बुलाते हैं यू नो वो तो देखिए होता ही है ना जब आप किसी कंट्री में रहते हैं बाहर तो आपके पेरेंट्स आपको विजिट करते हैं या कोई ना कोई आपको तो विजिट करता ही है तो वहाँ पर क्या था कि जो विज़िटर वीज़ा है वो जो इशू होता था वो सिर्फ थ्री मंथ्स के लिए इशू होता था उसके बाद क्या है ना या तो जो जो भी आपको विजिट कर रहा है आपका फैमिली मेम्बर उन्हें कंट्री लीव करनी पड़ती थी एंड देन वो वापस से कंट्री में आ सकते थे देन अगेन फॉर थ्री मंथ्स बट ऑस्ट्रेलिया के केस में क्या है ना कि जैसे अभी मम्मी हमारे साथ हैं तो आप लोगों को पता ही है जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और उनका जो वीज़ा है वो तीन साल का वीज़ा लगा है एंड यू नो कंटिन्यूस शी कैन स्टे अप टू वन ईयर तो वो हमारे साथ लगातार एक साल तक रह सकती है तो वो जो दिमाग में हेडेक होती है ना कि हर तीन महीने में यू you नो know, वापस से उन्हें भेजना है फिर बुलाना है तो वो सब यहाँ पे नहीं है तो ये देखिए कुछ हमारे मोटे मोटे रीजन्स थे जिनकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हमें यू नो फॉर अ लॉन्ग टर्म हम आइलैंड में नहीं रह सकते और हमें जो है ना वो मूव कर जाना चाहिए बिकॉज किड्स अभी छोटे हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट टाइम था कि हम लोग अभी ये डिसीजन ले लें और मूव कर जाएं। सो so गाइज़ ये हमारे पर्सनल रीज़न से देखिए जो हमने फ़ील किया मे बी आप लोगों के रीज़न डिफरेंट uh, हो सकते हैं डेफिनेटली आइलैंड में एजुकेशन भी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं आयलैंड के सो गाइज ये हमारे पर्सनल रीजन थे मूव uh, होने के आईलैंड से ऑस्ट्रेलिया देखिए सबके अपने अपने रीजन होते हैं अपनी अपनी थिंकिंग होती है बट ये वो था जो हम लोगों ने फील किया और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम आईलैंड छोड़कर जो है ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाए सो दैट्स ऑल फॉर फोटोज वीडियो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है आईलैंड और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर